concatenate फंक्शन function. Concatenate function क्या करता है ये जोड़ता है दो या दो से ज्यादा टेक्स्ट को का मतलब है जोड़ना अटैच करना जब हम चाहते हैं कि दो अलग अलग सेल्स में टाइप की गई वैल्यूज को हम कॉन्केटिनेट करके किसी और सेल में शो करें देन हमें कॉन्केटिनेट फंक्शन की जरूरत पड़ती है यानी हम ऐड करके किसी और सेल में शो करें Then हमें कंकैटिनेट फंक्शन की जरूरत पड़ती है ठीक है जैसे कि मैं यहां पे जैन यहां लिख रहा हूं बजाय इसके मैं यहां पे इसको पेस्ट करता हूं और इसको नीचे की तरफ कॉपी करता हूं तो अब देख रहे हैं ये फॉर्मूला यानी फंक्शन जब मैंने नीचे कॉपी किया तो फरवरी कौन हो गया 2000 से मार्च कौन हो गया 1000 यहां हर एक फंक्शन में मैंने तीन सेल्स की वैल्यूज पास की है मतलब तीन वैल्यूज पास किए फर्स्ट C7 सेवन जैन फिर कॉमा फिर डबल अपोस्ट्रोफ यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कॉलन फिर कॉमा फिर D7 यानी 5000 यानी मुझे फॉर्मेट किस फॉर्मेट में चाहिए कॉन्केटिनेशन होने के बाद पहले मंथ आए फिर स्पेस दे कॉलम आए फिर स्पेस दे अमाउंट आए यानी सेल अमाउंट आए तो हम देख रहे हैं कि जब इसने कॉन्टिनेट किया इन तीनों टेक्स्ट को तो कॉन्केटिनेशन के बाद क्या रिजल्ट आया जैन स्पेस कॉलन स्पेस फाइव थाउजेंड अब जब मैं इस फॉर्मूले को नीचे कॉपी कर रहा हूँ यानी फंक्शन को नीचे कॉपी कर रहा हूँ तो देन क्या कॉपी हो रहा है फंक्शन और रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके कॉरस्पोंडिंग सेल जो उसके साथ अटैच सेल्स है जब हम फंक्शन या फार्मूला किसी और लोकेशन पे कॉपी करते हैं तो उसके अंदर जो सेल्स हैं, वो भी उसी हिसाब से उसी रिलेशन में यानी उसी पोजीशन की रिलेशन में जिस पोजीशन में पहले फॉर्मूला था या है और उसको हम किसी और सेल में कॉपी कर रहे हैं तो वो सेल जब एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी होता है तो फॉर्मूला जिस डायरेक्शन में कॉपी हुआ उसके अंदर के सेल्स भी फॉर्मूला जिस डायरेक्शन में कॉपी हुआ तो उसी डायरेक्शन में उसके सेल्स भी चेंज हो जाते हैं अपनी लोकेशन चेंज कर लेते हैं अब हम इसका सिंटेक्स देख लेते हैं इज इक्वल टू कॉन टेक्स्ट टैक्स वन कॉमा टैक्स टू कॉमा टैक्स थ्री तो हम यहाँ पे एटलीस्ट हमें दो वैल्यूज पास करनी होंगी, यानी दो टेक्स्ट पास करने होंगे जिनको हम कॉन करना चाहते हैं थर्ड वैल्यू ऑप्शनल है फोर्थ वैल्यू ऑप्शनल है तो ये था एक सिंपल फंक्शन कॉनकेटिनेट फंक्शन अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिए जिससे कि हम उसका रिप्लाई दे सकें थैंक यू थैंक यू वेरी मच